बिजनौर जनपद के थाना चांदपुर के केलनपुर गांव में एक विधवा महिला की बीती रात गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या को लेकर मृतक के बेटे का कहना है कि घर में चोरी करने आए चोरों ने मां की हत्या करके फरार हो गए। जब महिला की हत्या हुई तो महिला घर के आंगन में चारपाई पर सो रही थी। मृतक महिला का बेटा और बहू घर के अंदर कमरे में सोए हुए थे। पुलिस ने शव का पंचनामा भर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस बाद हत्या के कारणों का पता चलने की बात कर रही है। चांदपुर थाना क्षेत्र के किलनपुर गांव में बबीता नाम की विधवा महिला की लाश सुबह उसी के घर में चारपाई पर पड़ी मिली। मृतका के बेटे अजीत का कहना है कि रात उसके घर पर चोर चोरी करने आए थे और मां की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला करके मां को मौत की नींद सुला गए। मृतका के बेटे ने बताया कि उसे चोरों के घर आने का पता ही नहीं चला कि चोर कब आए और घर में रखा सोने के सामान और मां को मारकर फरार हो गए। इस हत्या को लेकर सीओ चांदपुर राजकुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। महिला का कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई सदस्य है। चोरी के सवाल पर पुलिस का कहना है कि महिला की लाश उसकी नाम भैया तुम्हारा अजीत क्या मामला भैया पूरा मामला हम रात को सो रहे थे कोई घर आया मेरी मम्मी की तो मार गया। अच्छा कुछ पता चला कौन कौन थे? और मैं मेरी बहू और मम्मी तीन लोग। किसी को पता ही नहीं चला नहीं।